हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। अब हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है रामेश्वरम के लिए। आज हमने सवेरे 9 बजे अम्बाला कैंट से जर्नी स्टार्ट करी थी और अब हमने दिल्ली क्रॉस कर लिया है। और अभी मैं जो है अपनी सीट पर हम बैठे हुए हैं, देखिए और अभी जो हमने अभी जो है दोपहर का लंच किया है और मदुरई हम परसों दोपहर में ही वहाँ पहुँचेंगे और आगे का जो सफ़र है वहाँ से हम बस में करेंगे। और इसके सफ़र के बीच में जो जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। और जो भी और भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या और भी जो भक्त हैं कहीं भी जाने के लिए आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, धन्यवाद। ये देखिए फैमिली है हमारी, जा रहे हैं। ये अब हम पहुंचने वाले हैं नागपुर मरम झीरी स्टेशन है कोई छोटा। अभी हमने बहुत सारे पहाड़ों और सुरंगों में से भी हम ट्रायल निकल के आई है। सवेरे के हो रहे हैं 8:26, 8:30 हो गए हैं। 10:30 बजे के तकरीबन हम पहुंचेंगे नागपुर। ये देखिए ट्रेन में एक दिन एक रात, कल दोपहर का टाइम है हमारा मदुरई पहुंचने का, वहां से हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अभी हम नाश्ता पानी का देख रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। अब हम जो है नागपुर थोड़ा सा रह गया है, 1-1.5 घंटे का रास्ता। अब नागपुर पे ट्रेन रुकी है और अब हमने जो है यहाँ पर नागपुर में हमने थोड़े से संतरे वगैरह लिए हैं यहाँ की फेमस, और ये वड़ा इडली और सांभर लिया है। सांभर में थोड़ी मिर्ची है लेकिन टेस्टी लग रहा है। 21 तारीख आज हमें ट्रेन में हो गया तीसरा दिन और अभी हम परम्बूर पहुंचने वाले हैं। आज भी हमें शाम तक जो है मदुरई पहुंचेंगे। तीसरा दिन है आज हमें ट्रेन में। अभी हम जो है सुबह का टाइम है, ये देखिए बाहर का नज़ारा। देखिए उधर दिखेगा अगर आएगा तो। शाम तक जो है हम मदुरई पहुंचेंगे, वहां से फिर आगे का देखेंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से। केरला अलग स्टेट है, तमिलनाडु अलग है। तमिलनाडु की राजधानी है मदुरई चेन्नई और केरला की राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम। वो तो उड़ीसा में है। दिल्ली
फिर हमने मदुरई में पहुंचकर हमने पहले मीनाक्षी देवी टेंपल मंदिर के किए दर्शन। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसमें कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी। किया है पंबन ब्रिज में, अथा सागर से यहाँ सारे चारों तरफ है, ये नया पुल बना है। कुछ टाइम बाद इसका ट्रायल होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर रेल का, फिर यहाँ पर जो है ट्रेन पूरा रामेश्वरम तक चलेगी। देखिए कितना बढ़िया सुंदर नज़ारा है। सुबह का टाइम है, 6:15 के करीबन टाइम हो रहा है और अब जो है हम पहुँच गए हैं अग्नि तीर्थ की तरफ। ये देखिए ये मंदिर है, जय हो। अब हम आ गए हैं अग्नि तीर्थ की ओर। सबसे पहले हम करेंगे अग्नि तीर्थ, इसके बाद 22 कुओं का जो पानी है उनसे स्नान होता है, उसके बाद जो है दर्शन करने हम जाएंगे। इसमें हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और अभी जो है हम अग्नि तीर्थ की तरफ आ गए हैं। ये देखिए कितना लोग यहाँ से आ रहे हैं अग्नि तीर्थ की तरफ। आज रश है अग्नि तीर्थ पे, कल शाम को भी हम आए थे तो इतना रश नहीं था। सवेरे सवेरे के टाइम स्नान ज़्यादा होता है जिस वजह से थोड़ा रश ज़्यादा है, और वैसे देखा जाए तो भीड़ इतनी नहीं है, पहले से कम है भीड़। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर सुबह सुबह का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभो। ये देखिए सुबह सुबह, जय हो, हर हर महादेव, 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 हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो। ये देखिए अग्नि तीर्थ के लिए अब हम और अंदर आ गए हैं। यहाँ से हम जो है बाहर की तरफ निकलेंगे। वहाँ ये देखिए मेरे पीछे रश कितना है भाई का। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। ये देखिए यहाँ से अग्नि तीर्थ की तरफ हम बढ़ते हुए। हमने
जो है 22 कुओं का जो स्नान है वो हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम निकल रहे हैं दर्शनों के लिए, अब हम जा रहे हैं। बाकी थोड़ा सामान है हमारे पास, इसको थोड़ा आप लॉकर वगैरह हम रखवाएंगे, उसके बाद हम लगेंगे दर्शनों की लाइन में। ये देखिए श्री राम मंदिर, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। देखिए श्री राम मंदिर, अब हम आ गए हैं ध्रुवकोटी के नज़दीक। ये वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने सेना को एकत्रित करके युद्ध की तैयारी की थी, और ये वही स्थान है जहाँ पर रावण का भाई विभीषण उनसे, राम जी से मिलने के लिए आए थे, और सुग्रीव की सेना ने क्रोधित होकर कि ये रावण का भाई है, ये कोई षड्यंत्र करने आ रहा है, यहाँ पर युद्ध की तैयारी की थी। फिर हनुमान जी के समझाने पर वो शांत रहे सारी वानर सेना। ये देखिए ये वो मंदिर है, ये स्थान वो है। समुद्रों के बीच में है ये। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। देखिए ये जो पत्थर हमारे सिर पर रखा है इन्होंने, और अब इस पत्थर को ये पानी में तैराएंगे। देखिए ये पत्थर पानी में डाल दिया और ये ऊपर आ गया है, और ये हमारे सिर पर रखा था, इसमें काफ़ी वजन है, अभी अभी हमारे सिर पर रखा था। ये वो पत्थर है जिससे राम सेतु बना था, जिस पर राम जी चल के श्रीलंका गए थे। देखिए फिर डबोने के बाद भी ऊपर आ गया। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और ये समुद्र के किनारे है, ये कुआ है जिसके अंदर ये पत्थर तैरा के दिखाया। ये देखिए अब हम आ गए हैं राम सेतु पे, ये राम सेतु पे हम खड़े हैं। ये देखिए ये पीछे से है, आज पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण राम सेतु ढक गया है, और आज अलर्ट भी करा हुआ है रेनिंग की तरफ वजह से। ये देखिए वो बच्चा किसका जा रहा है, उसको बुलाओ, चल इधर। ये देखिए ये अलर्ट हो रखा है आज, इसी वजह से पानी ज़्यादा है, जिस वजह से अलर्ट कर रखा है। ये देखिए समुद्र के किनारे राम से सेतु टक्कर, लेकिन यहाँ करके समुद्र में विराट को धारण किया है और अपनी ताकत दिखा रहा है कि मेरी कितनी ताकत है। और जब राम जी ने रेत का शिवलिंग बनाकर यहाँ पूजा की तो उस समय इसे कितनी ताकत दिखाई थी, और क्या हम सोच सकते हैं इसके ऊपर पुल बनाने की। राम जी तो भगवान थे, तब उन्होंने समुद्र को पार किया। अब हम आ गए हैं APJ अब्दुल कलाम हाउस पर। ये उनका, यहाँ पर उनका घर हुआ करता था, 2009 में इसको बनाया गया। पहले यहाँ पर पुराना घर हुआ करता था उनका, झोपड़ी टाइप जो जैसे पुराने होते थे। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 2010 में अब्दुल कलाम जी ने ये इसको 3 मंजिल बनाया था, 3 मंजिल की बिल्डिंग। देखिए कितना प्यारा है ये, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पुराने उनके वस्त्र, उनका सामान, उनकी बुक्स, उनके मिले हुए पुरस्कार इसके अंदर हमें दिखाए गए, लेकिन वहाँ अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।